चलिए शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक रिंग वर्म, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, इसके बारे में क्या डिटेल से अपन देखेंगे। सो इट इज़ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इट इज़ कॉज्ड बाय मेनी फंगल स्पेसिस बिलोंगिंग टू द जेनरा ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। तो ये फंगस से होने वाला स्किन डिसीज़ है, जिसमें दो टाइप के फंगस स्पेसिस है जो जनरली रिंग वर्म करते हैं। एक स्पेसिस है ट्राइकोफाइटोन फंगस की है, देखिए ये है फंगल स्पेसिस ट्राइकोफाइटोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंग वर्म। दूसरी स्पेसिस है माइक्रोस्पोरम, जो फंगल स्पेसिस ही है। सो ये रही फंगल की दूसरी स्पेसिस माइक्रोस्पोरम, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंग वर्म। सो दीज फंगल फीड ऑन किराटीन इन स्किन हेयर एंड नेल्स। किराटीन अपने स्किन के अंदर होता है, अपने हेयर्स के अंदर होता है और नेल्स के अंदर होता है। तो ये रिंग वर्म ये तीन जगहों पे अपने बॉडी के हो सकते हैं, कि स्किन पे ऑल ओवर द स्किन कहीं पर भी हो सकते हैं, हेयर्स पे एंड नेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है इस डिसीज़ के, कि क्या लक्षण हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में पहला है इन्फेक्टेड स्किन शो इनलार्ज्ड रेड रिंग कॉज्ड ड्यू टू रिंग वर्म। देखिए इस तरीके से पूरी बॉडी पर कहीं पर भी स्किन के ऊपर ऐसे रेड कलर के रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, जो कि फंगल कॉलोनी ग्रो होने से डेवलप होती है। नेक्स्ट रहेगा अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए इस तरीके से जब रिंगवर्म का इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर राउंड या ओवल शेप के पैचेस देखने को मिलेंगे। सो दीज रेड पैचेस कॉजेस इंटेंस इचिंग। सो ये रेड कलर के जो पैचेस है, इसमें इंटेंस इचिंग होगी, मतलब बहुत खुजली होगी। इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ऑनिकोमाइकोसिस, जिसके अंदर इन विच नेल्स बिकम थिक डिसकलर्ड एंड डिसफिगर्ड, कि जिसके अंदर नेल्स जो है अपने वो मोटे हो जाएंगे, थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा थिक दिखने लगेंगे एंड डिसकलर, उसका जो कलर है नॉर्मल वो नॉर्मल कलर चला जाएगा एंड डिसफिगर्ड, मतलब उसका शेप भी थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है एथलेट्स रूट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोस। देखिए इस तरीके से बिटवीन द टोस उंगलियों के बीच में ये फंगस ग्रो हो जाता है और वहाँ पर रिंगवर्म हो जाता है। तो जनरली ये पैर के उंगलियों में होता है, कि जब हम बरसात के दिनों में बगैर चप्पल या शूज़ के चलते हैं, तो ये फंगस सॉइल से अपने स्किन को कॉन्टैक्ट कर लेता है और स्किन में इसकी कॉलोनी बनकर वहाँ पर रिंग वर्म्स बन जाते हैं, जो कि जनरली पैर के उंगलियों के बीच में होते हैं। ये हो गए सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये फैलता कैसे है, रिंगवर्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे जाता है। तो रिंगवर्म स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कोम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एक्सेट्रा। देखिए बिलोंगिंग्स लाइक टॉवेल्स कोम, जो अगर हम कॉमन में यूज़ करते हैं, तो ये रिंगवर्म एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो सकता है। कि जनरली रिंगवर्म जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा, जब अगर ये मटेरियल कोई एक दूसरे के बीच में शेयर होता है, कि अगर एक दूसरे का यूज़ किया हुआ कपड़ा कोई दूसरा यूज़ करता है या एक दूसरे का कंघा कोई यूज़ करता है, तो इस तरीके से ये एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट मेथड होगा कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन इज़ अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन, कि जिस पेशेंट को इसका भी अपने रिंगवर्म हुआ है, उस पेशेंट का और दूसरे पेशेंट का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उससे भी वो पैथोजन एक दूसरे को लग जाएंगे। तो दिस विल बी द अनदर मीन्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि रिंगवर्म का डायग्नोसिस कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो डायग्नोसिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, के खाली देखकर अपन पहचान सकते हैं, देयर इज नो मेडिकल लैब चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं, खाली फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ है। तब जब पता लग जाए कि इन्फेक्शन रिंगवर्म का हुआ है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने को डिफरेंट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक द निस्टैटिन, निस्टैटिन नाम का ड्रग, दूसरा है फ्लूकोनाजोल, और उसे इसी तरह से इट्राकोनाजोल,
ये ऐसे डिफरेंट ड्रग्स है जो कि यूज़ करके अपन रिंग वर्म को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए जो रिंग वर्म के जो पैथोजन है फंगस, ये फंगस स्किन के डेड सेल्स के ऊपर ग्रो होते हैं। तो फंगस लीव्स ऑन द डेड टिश्यू ऑफ द स्किन, कि जो स्किन के अपने डेड सेल्स हैं वो जो लगे हुए रहते हैं स्किन के ऊपर उसके अंदर ये फंगल ग्रो होता है और वहाँ पर रिंग वर्म बनाते हैं। ओके, अपने को पता है कि फंगस आर सैप्रोफाइटिक, ये डेड टिश्यू के ऊपर ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए जो अपने स्किन के ऊपर डेड सेल्स रह जाते हैं वो सेल्स के ऊपर ये ग्रो होते हैं और रिंग वर्म डिसीज करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे अपन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि ये डिसीज़ ना हो बोल के अपन क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स स्पोर्ट इक्विपमेंट्स के क्लोज कॉन्टैक्ट ना होने दें, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स के दूसरे पेशेंट्स एक दूसरे के कपड़े ना यूज़ करें, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक द हैंड ग्लोव्स वगैरह जो इस ये एक दूसरे के यूज़ ना करें। वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विथ फंगीसाइडल सोप्स हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजन। और नेक्स्ट है कि कपड़े जो धोएं वो गर्म पानी से धोएं और उसमें साथ में फंगीसाइडल सोप यूज़ करके, फंगीसाइडल यानी कि फंगस को मारने वाला, तो ऐसे सोप यूज़ करें जो कि फंगस को मारते हैं, वो सोप्स यूज़ करके अगर अपन कपड़े धोएंगे गर्म पानी से तो ये पैथोजन मर जाएगा एंड देर इज़ लेस डिसीज लेस चांस टू बी इन्फेक्टेड बाय रिंग वर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिंग वर्म।